को डिस्क्रिप्शन से काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को आपको 4.0 तक रहने देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, ओवरले पे आना है। इसके बाद एक आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। सिंपल इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कुछ इस तरह से लेकर आना है साइड में और इसे आपको फुल साइज कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह से सेंटर में लेकर आ जाना है। इसके बाद डन करना है। फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, ओवरले पर आना है और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है हट का, सिंपल इस पर क्लिक करना है और इस वाले दिल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन करना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसको आपको हल्का जूम भी कर लेना है और इसको आपको बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस टाइप को देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, टेक्स्ट पर आना है और यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप कर लेना है। तो सिंपल मैं यहाँ पर पूजा नाम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद लेटर फाउंड पे आना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट भी कर सकते हैं जिस स्टाइल में चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट आपको कर लेना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कुछ इस तरह से आपको जूम कर देना है। जूम करने के बाद सिंपल इसे आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दिया हूँ। चेंज करने के बाद इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट आपको कर लेना है या फिर लेटर बाय लेटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ लेयर। इसके बाद मीडिया पे आना है और जो वीडियो मैंने दे रखा हो लिंक, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस पार्ट में भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोप पे क्लिक करेंगे। अब कुछ इस तरह से आपको इसको जूम कर देना है। जूम करने से क्या होगा, ये जो काइनवा जो टिकटॉक एप्लीकेशन का लोगो जो है वो आपका लोगो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इस पर इक्वल कर देना है। अब आपका वीडियो देख सकते कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ। कैंची के निशान पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको डिलीट कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं और बैकग्राउंड में आपको भी साउंड भी चल रहा है, तो ये वीडियो देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तो सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा 10.1 पे हमारा साउंड खत्म हो रहा है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो होता है हमारा स्लो हो जाता है, अब हमारा साउंड स्लो नहीं होगा। शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।